उत्तर प्रदेश से खिला देने वाली घटना सामने आई है। सीतापुर में एक नाबालिग छात्रा ने छेड़खानी की वजह से खुदकुशी कर ली। स्कूल से लौटते वक्त गांव का ही एक मनचला उसे लगातार परेशान कर रहा था। परिजनों ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन FIR दर्ज कर सख्त एक्शन की गुहार नहीं सुनी गई। परेशान छात्रा ने दोबारा छेड़खानी के डर से फांसी लगा ली और अब पुलिस लकीर पीट रही है। मनचले के डर से सीतापुर में एक बिटिया ने खुदकुशी कर ली। उसके आगे गाड़ी अपनी लगा दिया, छेड़छाड़ किया। लड़की हमारी आज रात में आत्महत्या कर ली। 9वीं में पढ़ने वाली बिटिया 17 मार्च को स्कूल से लौट रही थी। गांव के ही मनचले ने इस दौरान उसके साथ छेड़खानी की। बिटिया के घर वालों ने पुलिस चौकी में जाकर शिकायत की थी। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की। बार बार बिटिया की माँ थाने जाकर FIR दर्ज करने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया था। इस बीच मनचले और उसके परिजनों की धमकियों से बिटिया का खौफ बढ़ता जा रहा था। 14 साल की बिटिया ने खुदकुशी कर ली। उसे डर था कि अगर दोबारा स्कूल गई तो उसके साथ फिर से छेड़खानी होगी। इसी तरह जबरन रोक कर मनचला फप्तियां कसेगा। हिफाजत केरा लड़का है, छोटू नाम है। लड़की कहाँ रोके केरी? लड़की मेरी रुकी नहीं तो उसके आगे गाड़ी अपनी लगा दिया। तब लड़की जब स्लो हुई तो उसकी बैग खींचा, उसको धमकी दिया। उसको कहने लगा तुम रुकी नहीं हो? हम कह रहे रुको रुको, रुकी नहीं, अब बैग तुम्हारा नहीं देंगे। छेड़छाड़ किया। छेड़खानी की वारदात सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाने इलाके के गांव के पास हुई। यहाँ के काजी कमालपुर चौकी चौराहे के पास छोटू नाम के आरोपी ने नाबालिग छात्रा का पहले पीछा किया, फिर 17 मार्च को स्कूल से लौटते वक्त उसकी स्कूटी के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके उसे रुकवाया और उसके बाद पहले थप्पड़ियां कसी, छेड़खानी की, फिर धमकी देते हुए जबरन बैग छीनकर चला गया। पुलिस ने आरोपी छोटू और उसके पिता हिफाजत को शिकायत पर पकड़ा तो था, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। ऐसा तब हुआ जबकि पीड़ित बिटिया के परिजन लगातार गुहार लगा रहे थे कि अगर आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाता तो वो उनकी बच्ची का जीना दुभर कर देगा, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सर हम मुकदमा करना चाहते हैं। आज हमारी लड़की के साथ में छेड़छाड़ किया और कल हमारी लड़की स्कूल से निकलेगी तब कुछ और करेगा, तो इस वजह से हमने कार्रवाई करने की, आगे हमने कार्रवाई किया। सर कल ही गए, परसों गए, 4 दिन से आज बराबर हम वहाँ जा रहे थे। लड़की हमारी आज रात में आत्महत्या कर ली। एक तरफ योगी सरकार महिलाओं के लिए मिशन शक्ति और 1090 पर शिकायत करने पर फौरी मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो दूसरी तरफ पुलिस वाले ही पीड़ितों की गुहार को गंभीरता से नहीं ले रहे। परिजन लगातार कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने आरोपियों पर सख्त एक्शन ले लिया होता तो बिटिया खौफ में नहीं होती और वो मनचले के डर से इस तरह फांसी पर नहीं झूलती। सीतापुर से ABP गंगा के लिए पंकज सिंह गौर की रिपोर्ट।